हेलो नमस्कार, वेलकम माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो आज का इस वीडियो हो रहा है एपचेट एस वर्जन 4 के ऊपर यामा के तरफ से आने वाले एक बहुत कंफर्टेबल बहुत रिलायबल टाइप का बाइक है ये। तो इस बाइक का इस वीडियो के मदद से आप लोगों को पता चलने वाला है इस बाइक में क्या क्या प्रो है, क्या क्या कॉन्स इस बाइक में, आज का डेट में प्राइस कितना है, इस बाइक से आप लोगों को कितना माइलेज मिल रहा है और भी फुल इन्फॉर्मेशन। सो वीडियो को पूरा शेष तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इन्फॉर्मेटिव टाइप का वीडियो। मैं हूं शुभेंदु और आप देख रहे हो टेक मोटर्स यूट्यूब चैनल। सो इस तरफ का वीडियो का इस तरफ का कंटेंट आप लोग अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, फ्रंट में आप देख सकते हो एक इस बाइक में फुल ऑल ओवर LED अराउंड लाइट मिलने वाला है, जैसे कि आप यहाँ पर हो गया DRL और टर्न इंडिकेटर, सारा का सारा लाइट और पीछे का टेल लाइट आप लोगों को टर्न इंडिकेटर सब कुछ LED में मिलने वाला है। ये एक प्लस पॉइंट है इस बाइक का। डुअल टाइप का हेडलैम्प देख रहे हो, हेडलैम्प भी आ रहा है LED के ऊपर। हेडलैम्प का थ्रो बहुत बढ़िया है। उसके साथ साथ आप लोग फ्रंट में देख सकते हो बहुत अच्छा डाया का, मतलब 41mm का आप लोगों को डाया का आप लोगों को फ्रंट में टेलीस्कोपिक टाइप का सस्पेंशन मिल रहा है। जैसे कि मेरे सामने आप देख पा रहे हो सस्पेंशन का साइज कितना मोटा आप लोगों को मिल रहा है। उसके साथ साथ यामा का स्टिकरिंग और यहाँ पर वाइब्रेक डिस्क कैलिपर के साथ आप लोगों को सिंगल चरण ABS के साथ MRF कंपनी का जेफ्रॉन का टायर मिल रहा है। कंपनी की तरफ से देख सकते हो आप 100x80 17mm का टायर मिल रहा है। टायर साइज बहुत प्रोफाइल फ्रंट में एंड रियर में काफ़ी अच्छा मिल रहा है, जिसके मदद से आप लोगों को लॉन्ग ड्राइव में बहुत कंफर्टेबल मिल रहेगा इस बाइक में। कंफर्टेबल के मामले में मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि देखा दे रहा हूँ जैसे कि फ्रंट में सस्पेंशन देख सकते हो आप और पीछे का सस्पेंशन बहुत कंफर्टेबल है। फिर बात करते हैं आप लोगों को फ्रंट में मैट में आप मार्गट मिल रहा है, मार्गट के यहाँ पर थोड़ा सा कार्प मिल रहा है और ये में ही प्रोवाइड किया गया है। वैसे भी इस बाइक में आप लोगों को E20 फ्यूल सपोर्ट करता है, जैसे कि इसका स्टिकरिंग देख सकते हो आप। और फिर बात करते हैं इस बाइक के थोड़ा सा नीचे आप देख सकते हो पूरा कार्व होकर यहाँ तक ये पोर्शन और उसके साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को ग्लॉसी ब्लैक कलर मिल रहेगा। फिर यहाँ पर जो फिन्स पूरा नीचे तक आया ये ग्लॉसी में मिलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो इंजन का जो इंजन एग्जॉस्ट का सेंसर और उसके साथ साथ कैथलेटिक कन्वर्टर, फिर नीचे में आप लोगों को इसका देख सकते हो इंजन काउल मिलेगा जो कि प्लास्टिक में मिल रहा है। प्लास्टिक का क्वालिटी ऑल ओवर बाइक का क्वालिटी बहुत बढ़िया है, तो वह कहीं भी आप लोगों को क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगा। ये सारे पार्ट्स आप लोगों को एल्युमिनियम में मिल रहेगा, जैसे कि स्प्रिंग लोडेड आप लोगों को राइडिंग राइडर फुट पैड, फिर आ गया आपको एडजस्टेबल पिलियन फुट रेस्ट। तो देख सकते हो इसका जो एग्जॉस्ट है एग्जॉस्ट काफ़ी सॉर्टेड टाइप का रखा गया है। और आपको पीछे का जो डिक्स है ये आप लोगों को नॉन ABS मिलेगा, तो सिंगल चैनल ABS के साथ ये बाइक आ रहा है। पीछे का आप लोगों को एलॉय व्हील 17 इंच का मिल रहा है एलॉय व्हील, वो भी आप लोगों को ब्लू कलर में। और इस बाइक का जो पीछे का टायर साइज है ये आप लोगों को 140x60 का मिल रहा है, जो कि बहुत आप लोगों को वाइड टायर मिलेगा। देख सकते हो पूरा इतना सा वाइड टायर जो कि इस सेगमेंट में और कोई बाइक में नहीं प्रोवाइड कर रहा है। सो पीछे में आप लोगों को इंजन टायर, अगर उसके ऊपर में आप पीछे का जो टर्न इंडिकेटर देख सकते हो आप, वो भी LED में है। उसके साथ साथ बैक लाइट भी आपको पूरा पूरी LED में मिल रहा है। और यहाँ पर नंबर प्लेट इंस्टॉलेशन का प्लेस और इसका लाइट, सो देन इसका आप देख सकते हो पीछे में सिंगल टाइप ग्रैप रेल मिल रहा है। और उसके साथ इस बाइक का जो सीट हाइट है वो आप लोगों को 791mm का मिल रहा है, जो कि आप हर तरफ का राइडर का हाइट से मैच हो जाता है और काफ़ी कंफर्टेबली राइड कर सकता है। सो इस बाइक का और एक अच्छा फीचर्स बताऊँ, इसमें सेंटर स्टैंड भी मिल रहा है, उसके साथ साथ साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर के साथ साइड स्टैंड और 1 down 4 up टाइप का 5 gear। उसके साथ साथ देख सकते हो इसका चेंज पॉकेट ओपन टाइप चेंज पॉकेट है और यहाँ पर साड़ी गार्ड और यहाँ पर क्लियर फुट रेस्ट और राइडिंग राइडर फुट रेस्ट। फिर देख सकते हो बहुत सिंपल टाइप का इस साइड का लुक रखा गया है और सिंगल सीट देख सकते हो, जिससे कि आप बहुत कंफर्टेबली इस बाइक को राइड कर सकते हो। और इस बाइक का जो शॉकर है ये बहुत मस्त है, पीछे में आप लोगों को 6 step एडजस्टेबल मोनोशॉक टाइप का गैस चार्ज सस्पेंशन मिल रहा है, जो कि हाथों से दबाने से ही इस बाइक में पूरा शॉकर दबता है, पूरा रोड में कंफर्टेबली इस बाइक को आप राइड कर सकते हो। फिर यहाँ पर देख सकते हो एपचेट एस वर्सन 4 का दोनों साइड में आप लोगों को 3D में एपचेट एस लिखा हुआ है और वर्सन 4 का स्टिकरिंग। फिर बात करते हैं इस बाइक का ऊपर में जो फुल डिजिटल टाइप डिस्प्ले है उसके ऊपर, तो जैसे कि इस बाइक का वर्सन 4 में इसका मेन जो अपडेट बोल सकते हो इसका
डिजिटल टाइप का डिस्प्ले जो कि आगे की डिस्प्ले जो था वर्जन 3 में उससे काफ़ी बढ़िया विजिबिलिटी के साथ इस बाइक में आप देख सकते हैं। यहाँ पर न्यूट्रल का इंटीग्रेशन, TCS कंट्रोल का इंटीग्रेशन, तो फिर नीचे में इंजन चेक लाइट, और यहाँ पर आप लोग RPM लिमिट का लाइट शो होगा। फिर आप यहाँ पर वॉच देख सकते हो जो कि रियल टाइमिंग को दिखाने वाला है। उसके साथ यहाँ पर आप लोगों को इंजन RPM का इंडिकेशन, फिर स्पीड मीटर हो गया, आप यहाँ पर किलोमीटर हो गया। तो जैसे कि यहाँ पर दो बटन से आप चेक कर सकते हो तो कितना फ्यूल का आप टैंक में है उसके हिसाब से कितना रेंज देने वाला है उसका इंडिकेशन शो, एवरेज फ्यूल कंजप्शन और ट्रिप ए ट्रिप बी। तो उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आप TCS ट्रैक्शन कंट्रोल का आप ऑफ या फिर ऑन कर सकते हो, जिसकी आप लोगों को पीछे का चक्का जो है वो फॉल्स नहीं घूमेगा, TCS ऑन रहेगा। तो फिर यहाँ पर देख सकते हो इंजन टर्न बाइक टर्न लाइट, उसके साथ साथ हाई बीम का इंटीग्रेशन, ABS का इंटीग्रेशन, सो यहाँ पर देख सकते हो फ्यूल का इंटीग्रेशन हो गया। और उसके साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर Yamaha का लोगो, उसके साथ इस बाइक में आप लोगों को सिंगल टाइप का हैंडल बार मिल रहा है जो कि हैंडल का पोर्शन काफ़ी सेट किया गया ऐसा जगह पर जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा लीन भी ना होना पड़े, स्टेप एक पोर्शन मिल रहा है जिस इस बाइक को राइड करने से। सो देख सकते हो उसके लेकर यहाँ पर आपका जो हैंडल है उसको काफ़ी उठाया गया है। उसके साथ साथ पाइप टाइप सिंगल हैंडल बार में लेफ्ट साइड में आप लोगों को मिल रहा है अपर डिपर, और उसी में इंटीग्रेटेड पासिंग का स्विच, फिर आप लोगों को नीचे टर्न इंडिकेटर का स्विच, फिर हॉर्न इसका बहुत बढ़िया है। तो फिर यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है इंजन कटआउट का स्विच और फिर सेल्फ का स्विच, जिस ये वाला आप लोगों को फीचर सेम टू सेम आप लोगों को MT में भी देख सकते हो आप। सिर्फ MT में चेंज मतलब ये हॉर्न को थोड़ा ऊपर किया गया और टर्न इंडिकेटर को नीचे किया गया, और बाकी यहाँ पर सेम कंडीशन का आप लोगों को इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर भी मिल रहा है। फिर आप लोगों को छोटा सा हैंडल बार एंड, उसके बाद साथ आप लोग देख सकते हो काफ़ी लाइट टाइप का आप लोगों को थ्रॉटल, उसके साथ साथ इसका क्लच भी देख सकते हो, बहुत लाइट क्लच है। उसके साथ इसका जो मिरर है, मिरर चेक करो तो काफ़ी स्टाइलिश टाइप का न्यू टाइप का मिरर आप इस बाइक में आने लगा है। सो तो वीडियो में आगे बढ़ते FZS वर्जन 4 का कलर मैं चेक कर रहा हूँ, ये आपका हो गया रेसिंग ब्लू कलर। फिर बात करते हैं आपको मैट ब्लैक कलर में, तो मैट ब्लैक कलर को आप देख सकते हो। तो उसके बाद देख सकते हो आप ग्लॉसी ग्रे कलर, जो कि फिर यहाँ पर आ गया आपका मैट ब्लू कलर। और देन बात करते हैं ये सबसे ज़्यादा प्रीमियम कलर बोल सकते हो आप मैट ब्लैक के साथ गोल्डन कलर में, FZS वर्सन 4 जो गोल्डन में लिखा गया है, और इसका एलो व्हील पूरा गोल्डन में मिल रहा है दोनों सामने और पीछे का। तो इन सारा कलर ऑप्शन में आप लोगों को सबसे बेटर कलर ऑप्शन कौन सा लगा ये मुझे कमेंट में बताना। और देन बात करते हैं इस बाइक का इंजन के ऊपर, तो जैसे कि आप देख सकते हो तो जैसे कि इस बाइक का जो इंजन आप लोगों को मिल रहा है 149 cc का 2-valve SOHC टेक्नोलॉजी के साथ फ्यूल इंजेक्टर E20 फ्यूल को सपोर्ट करने वाला OBD2 इंजन इस बाइक में आज के डेट में प्रोवाइड कर रहा है, जो कि 13.2 BHP का पावर मिल रहा है और जो कि 6000 RPM पर और करीब करीब 13 Nm के आसपास ही आप लोगों को इस बाइक से टॉर्क मिल रहा है, जो कि आप लोगों का 5000 RPM पर, जो इस बाइक का सबसे कमी आज की डेट में वही है। तो आजकल जो 125 का TVS राइडर हो गया, NS125 हो गया, और हीरो का न्यूली लॉन्च हुआ जो एक्सट्रीम 125R हो गया, उन बाइक में भी 12 BHP के आसपास पावर मिल रहा है, जो कि हाईवे में एंड सिटी में भी आप लोगों को इस बाइक से पावर का ड्रॉप मिल रहा है थोड़ा बहुत। तो उसके अलावा इस बाइक में आप लोगों को कोई भी कॉन्स नहीं मिल रहा है, जो कि कंफर्टेबल के मामले में रॉन्ग राइट मारने के मामले में इसका ये बहुत चौड़ा सा सीट और कंफर्टेबली सस्पेंशन, इंजन रिलायबिलिटी, इंजन स्मूथनेस, बाकी के सिंगल चैनल ABS हो गया, ब्रेकिंग कंडीशन हो गया और टायर प्रोफाइल हो गया, तो सब कुछ में आपको A1 मिल रहा है आज के डेट में। सो जो पावर को कंसीडर करते हुए इस बाइक को आप लोगों ने डेफिनेटली परचेस कर सकते हो, वैल्यू फॉर मनी है। माइलेज भी ठीक ठाक मिल रहा है, 45 km के आसपास मिल रहा है 1 लीटर फ्यूल में। तो सो इस बाइक का आज के डेट में ऑन रोड प्राइस मिदनापुर Yamaha का जो ऑथोराइज डीलर है यहाँ पर 1,55,000, और इस बाइक का मैट में आप कोई भी मॉडल परचेस करने से 1,55,000 में आ जाएगा, और ग्लॉसी में 500 रुपीज़ ज़्यादा लग रहा है। सो
कलर वाइज प्राइस वाइज इस बाइक में वैल्यू फॉर मनी आप बोल सकते हो। सो डेफिनेटली आप परचेस कर सकते हो। इस बाइक का सबसे एक बड़ा बात है मेंटेनेंस बहुत ही कम लगता है और पावर को आप कंसिडर कर सकते हो, तो डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। और आप लोगों को यम्मा का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो आप आ सकते हो मेदिनीपुर का यम्मा शोरूम। सो एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा मेरा डिस्क्रिप्शन में। जैसे कि मेरे सामने MT 2.0 हो गया और न्यूली R15 वर्जन 4 का रेसिंग रेड चेरी कलर जो हो देख सकते हो मेरे सामने। उसके बाद R15 और R15 M हो गया और स्कूटर में आप लोगों को फैसिनो सारा का सारा यम्मा का आज के डेट में जितना भी मॉडल मिल रहा है सबका यहाँ पर कलेक्शन इस शोरूम के अंदर में है। तो आपको कोई भी वीडियो चाहिए किसी भी बाइक के ऊपर में, किसी भी स्कूटर के ऊपर में, और कोई भी आप लोगों को बाइक या फिर स्कूटर यम्मा का कोई भी प्रोडक्ट परचेस करना है तो आ सकते हो आप मेदिनीपुर यम्मा शोरूम। जैसे कि मेरे सामने देख सकते हो आप एग्जॉट नेक्स्ट वीडियो इस स्कूटर के ऊपर।